गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नरेशन के चैप्टर में क्लास नंबर 18 यानी नरेशन पार्ट 18 रूल्स फॉर इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखिए कई पार्ट बनेंगे, संभव नहीं है कि एक ही क्लास में सारी चीज को बताया जा सके। अगर एक क्लास में लोगे तो वो खिचड़ी हो जाएगी, बेमजा हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैटर बढ़िया होना चाहिए। तो थोड़ी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ, वॉइस में चर्चा किया भी था इंपरेटिव सेंटेंस और यहाँ भी कर दे रहा हूँ। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य इंपरेटिव सेंटेंस होता है और एक विशेष प्रकार का होता है जो लेट से स्टार्ट होता है। लेकिन जो सामान्य इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार के होते हैं और लेट वाला भी दो प्रकार के। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक ना। चाहे वो लेट से स्टार्ट हो या ना हो, तो एक लेट से स्टार्ट होने वाला होता है वो भी पॉजिटिव निगेटिव होता है, और बिना लेट वाला होता है LET लेट, बिना लेट वाला जो होता है वो भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो आपको सिंपली बस यही जानना है, फाइनली मैं बता दे रहा हूँ, इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में रहेगा और निगेटिव वाला निगेटिव सेंस में, ठीक। अब पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस में आपको या तो कमांड किया जाएगा या आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा या आपको सजेस्ट किया जाएगा, ठीक। निगेटिव में उल्टा हो जाएगा, यानी नेगेटिव कमांड हो जाएगा अर्थात आपको रोका जाएगा यानी प्रोहिबिशन हो जाएगा। रिक्वेस्ट भी उल्टा हो जाएगा अर्थात नेगेटिव रिक्वेस्ट हो जाएगा। सजेशन भी उल्टा हो जाएगा अर्थात नेगेटिव सजेशन या नेगेटिव एडवाइस कर सकते हैं। तो इस तरह से कुल छह होते हैं। तो एक पार्ट में मैं आपको बता दूंगा क्या पॉजिटिव इंपरेटिव यानी तीन एग्जांपल, और दूसरे पार्ट में निगेटिव इंपरेटिव, ठीक। तो छोटे छोटे पार्ट करके बढ़िया से आप समझ लेंगे। तो आज क्या होगा, क्या ली ये तो सर्च में मिलेगा आपको कहीं भी। यहां पर जो पार्ट वन के अंतर्गत क्या नरेशन ऑफ पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक ये है। तो पार्ट वन के अंतर्गत आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, नरेशन ऑफ पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक। अब इनके क्या क्या भाव हो सकते हैं, तो पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस में आपका कमांड होगा, कौन सा जी कमांड सेंटेंस होगा, इधर आएगा कि नहीं, कमांड सेंटेंस होगा और रिक्वेस्ट होगा और एडवाइस होगा, ठीक। एडवाइस आपने सजेशन यानी यह पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस तीन बातों को व्यक्त करेगा, कमांड सेंटेंस को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को, आपने सजेशन।
अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त इंपरेटिव सेंटेंस से। यदि कमांड सेंटेंस रिक्वेस्ट या एडवाइस अथवा सजेशन का बोध होता है तो उसे आप इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। आज का क्लास यही है। तो डायरेक्ट जो अब सीधा सीधा हम इस पर आते हैं, डायरेक्ट नरेशन में आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट अर्थात स्पीकर रहेगा, फिर आपका रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद कामा होगा, इन्वर्टेड कामा होगा, और यहां पर पॉजिटिव क्या रहेगा भैया, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा। इसी चीज को आपको पहचानना है। चलिए पुनीता, यहां पर डबल इनवर्टेड कामा से एक क्लोज रहेगा। तो आप करेंगे क्या, इनडायरेक्ट बनाते समय आपको करना क्या है, सिंपल तरीका मैं आपको बना दे रहा हूं। हाँ, एक चीज यहां पर थोड़ा सा मिस हो गया, ऑब्जेक्ट जरूर रहेगा इसमें, ऑब्जेक्ट जरूर रहेगा। इसको मैं क्या करता हूं, शॉर्ट कर देता हूं क्योंकि जगह कम मिलेगी। तो यस फॉर सब्जेक्ट या स्पीकर, और यहां का जी रिपोर्टिंग वर्ड, और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट जरूर रहेगा, ऑब्जेक्ट जरूर रहेगा इसमें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां कामा हो गया। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि रिपोर्ट ऐसे बात हो जो पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस होगा, इन तीनों बातों को व्यक्त करेगा। तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, हेडिंग में दे दिया, नरेशन ऑफ पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस, कमांड रिक्वेस्ट या, यानी इस पोर्शन से क्या व्यक्त होगा, यही तीनों बातें व्यक्त होगी। तो फिर आप करेंगे क्या, ऐसी दशा में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा, और यहां पर आपका क्या रहेगा, टू से रहेगा, टू से, तो मान लिया सेट भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट है तो सेज होगा, से होगा, फ्यूचर है तो विल प्लस से हो जाएगा। तो इतनी तो बात अगर हमारे स्टूडेंट है तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये तो पुरानी बात हो गई। इसके बाद टू जरूर रहेगा, क्या रहेगा, टू जरूर रहेगा। हो सकता है कि यहां पर टू टेल हो, तो टू टेल रहेगा तो यहां टू नहीं रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा ही, देखिए टेल के बाद नहीं। तो करना क्या है आपको, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में आपको क्या करना भैया, ठीक है, इनडायरेक्ट में आपको ये देखिए, स्पीकर तो उतारेंगे ही, रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करना है। मान लीजिए कि इसका भाव कमांड सेंटेंस है, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस का भाव क्या है, कमांड सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर अब मैं यहां पर लिख देता हूं रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब और प्लस क्या कर देता हूं, ऑब्जेक्ट, इतना काम तो मैं कर देता हूं ऑलरेडी। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आपको चाहे टू से टू हो तो टू को हम ड्रॉप कर देंगे, टू टेल के बाद प्रीपोजिशन रहेगा ही नहीं रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आप अगर भाव आपका कमांडेड सॉरी कमांड सेंटेंस है तो आप यहां टू ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, टू ऑर्डर या कहीं टू कमांड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि रिक्वेस्ट है, ठीक है, हाँ, रिक्वेस्ट के साथ साथ इनवाइट भी हो सकता है, यहां आप लिख कर देता हूं, कह दी
इनविटेशन, इनविटेशन का भाव, तो इनविटेशन का भी भाव हो सकता है, ठीक है, निमंत्रण का। तो अगर पहला भाव है तो आप क्रिया ये लेंगे और ये भाव है तो आप क्रिया क्या लेंगे, टू रिक्वेस्ट लेंगे या टू इनवाइट लेंगे, क्या लेंगे, इनवाइट। मैं मूलावस्था में लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू टेंस होगा, जैसा यहां जो इसका टेंस होगा वही टेंस यहां पर भी होगा, चेंज हो गया। मान लीजिए कि रिपाजी में प्रेटी सेंटेंस का भाव आपका एडवाइस आर्मिक सजेशन है, ठीक, तो यहां आप क्या लेंगे, तो यहां पर सॉरी आप लेंगे टू एडवाइस आर्मिक सजेस्ट, टू एडवाइस आर्मिक एंड वाइज आपने टू सजेस्ट, ये लेंगे आप, ठीक। तो मुख्यतः ये क्रियाएं प्रयुक्त होती, इसके अलावा दो शब्द और आएंगे, एक आएगा आस्क और एक आएगा अर्ज। आस्क का मतलब सामान्य रूप से कहना, मैं एग्जाम्पल देकर के ही समझाऊंगा उसको, और अर्ज का मतलब होता है आग्रह पूर्वक सुझाव देना। तो एग्जाम्पल मैं दूंगा, वहीं पर क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आप आस का प्रयोग करोगे, कहाँ अर्ज का, ठीक ना। अभी इसको आप लिस्ट से बाहर रखिए, तो ये हो गया। और इसके बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, बेयर इन्फिनिटिव से, किससे स्टार्ट होता है, बेयर इन्फिनिटिव से, इससे पॉजिटिव, नेगेटिव है तो डोंट से शुरू होगा और पॉजिटिव है तो बेयर इन्फिनिटिव से, अर्थात क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से, तो उस बेयर इन्फिनिटिव को आपको इन्फिनिटिव में चेंज कर देना होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेयर, देखिए बेयर इंफिनिटिव और प्लस अदर वर्ड्स रहेगा, क्या रहेगा, अदर वर्ड्स, ये रहेगा, ठीक है, इसे आप क्या कर देंगे, इंफिनिटी में चेंज कर देंगे। तो मैं क्या करता हूं भैया, यहां बेयर इंफिनिटिव को इंफिनिटी में चेंज कर दिया, क्या कर दिया, इन फिनिटी में चेंज। चलिए भाई, इनफिनिटी में चेंज कर दिया और यहां अदर वर्ड्स क्या कर दिया, लगा दिया, उसके बाद फुल स्टार्ट कर, बस इतना करना है, सिंपल, तो कठिन नहीं है ज्यादा यह काम, तो आपको हर सेंटेंस में करना होगा यह काम, यानी बेयर इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव में हर सेंटेंस में चेंज करना होगा, ठीक है ना, यहाँ ठीक, थोड़ा एरो इधर बना दे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, छात्र बहुत तेज कंफ्यूज होते हैं, ठीक। और अदर वर्ड्स के स्थान पर ये तो आने आना, तो फिर कठिन क्या है, हाँ कठिन जानते हो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को समझना, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को समझना और रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें चेंज करना। आप कैसे समझोगे, इसके भाव को पकड़ना होगा, इंपरेटिव सेंटेंस का अगर सेंस आप गलत पकड़े तो रिपोर्टिंग वर्ब गलत चेंज हो जाएगा, और यही केवल गलती होती है बेयर इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव में चेंज करने में, तो कोई गलती होने कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो गलती कहाँ होती है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने में गलती होती है। तो सीधा सीधा हम आते हैं, अब एग्जांपल स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम सीधा एग्जांपल पर आते हैं, ठीक है दे, तो
क्रिकेट, एक बात मैंने कहा ऑब्जेक्ट जरूर रहेगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं डायरेक्ट का, द टीचर, द टीचर शेड, शेड है तो टू लगने लगना है, शेड है तो टू लगने लगना है, ठीक। हो सकता है कि शेड ना हो तो यहां क्या हो जाएगा, टोल हो सकता है, टोल हो सकता है, और यही दो क्रियाओं का प्रयोग होगा और कोई क्रियाएं इसमें नहीं आती है। अब किससे भैया, स्टूडेंट, द लगा देते हैं, टू द स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट। अब आप, टीचर ने छात्र से कहा, सिंगुलर रखता हूं मैं, स्टैंडर्ड, क्या कहा, स्टैंडर्ड, स्टैंड अप। अब चलिए यहीं पर आपको पकड़ना, यह है पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें अदर वर्ड्स नहीं आया है, सीधा सीधा बेयर इंपरेटिव का प्रयोग किया। स्टैंड अप का मतलब क्या है, खड़ा होना। अध्यापक ने छात्र से कहा खड़े हो जाओ, तो आप बताइए अध्यापक क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, नो, राइज दे रहा है, नो, सीधा सीधा कमांड कर रहा है, यानी ऑर्डर दे रहा है। अब देखिए संदेश का नाम कमांड है, लेकिन कहां पर कमांड का प्रयोग करना है, कहां पर ऑर्डर, सिंपली कहीं सिंपल प्लेस पर टीचर बोल रहा है स्टूडेंट को, तो आप कमांड मत लिखना, कमांड जो है कमांडर के लिए लिखना, गोली मारने के लिए लिखना वहां पर, ठीक है ना। वो फोर्स से संबंधित अगर कोई सेंटेंस आता है, ठीक है ना, फोर्सेस से, ठीक, आर्मी से, तो पुलिस बल से, तो वहां पर कमांडर शब्द का प्रयोग करना, समान वाक्य में केवल ऑर्डर लेके चलना। तो अब बताओ कमांड सेंटेंस तो है ये, लेकिन ऑर्डर का भाव है, किसका भाव है भैया, यहां पर ऑर्डर का भाव है, बोलिए ऑर्डर का भाव है कि नहीं है, तो चेंज कर दीजिए, यही पकड़ना है। तो जब ऑर्डर का भाव है तो हमने कह दिया इनडायरेक्ट में द, कह दिया टीचर, इसको चेंज किया, तो यहां पर टू तो ड्रॉप हो जाएगा, अगर सेट रहेगा तो टू ड्रॉप हो जाएगा, टोल रहेगा कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके साथ टू होता ही नहीं है, तो किसमें चेंज कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे, कहा जी ऑर्डर द स्टूडेंट कर देंगे, ठीक, स्टैंड अप कर देंगे, हो गया कि नहीं, स्टैंड अप कर देंगे, ठीक। अब देखिए फिर से सेंटेंस लिख रहे हैं हम, आगे कोई सेंटेंस, कोई सेंटेंस आप ले लीजिए अपने मन से, ठीक ना जी, कोई सेंटेंस अगर आप लेते हैं जो रिक्वेस्ट का बात, ठीक ना, तो हम कहते हैं कि ही सेड टू हिज फादर, ठीक, ही सेड टू हिज फादर गिव मी मोर मनी, मुझे और धन दीजिए, मोर मनी, उसने अपने पिताजी से कहा। अब इसमें अगर हम प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर प्लीज से तो ना जोड़े तब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार लड़का है तो क्या कर रहा, ऑर्डर देगा, एडवाइस देगा कि धन और दीजिए, हर हालत में ये रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट में जनरली प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग अवश्य होता है, क्या होता है, क्योंकि उसके बगैर मामला फंसेगा, तो क्या लगा दे, बोलिए प्लीज लगा दे, तो यहां पर हमने कहा कि आगे प्लीज लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद यहां पर काइंडली कर दिया, चलिए
हो गया। तो ऐसे वाक्यों में प्लीज आप एक कहानी को क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे। कारण क्यों ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि इसका भाव तो भाई रिक्वेस्ट हुआ बोलो, तो जब रिक्वेस्ट इसका भाव हो गया यही पकड़ना रहता है, इसका सेंस क्या हो गया, रिक्वेस्ट है। तो क्रिया जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है ये सेड टू चेंज हो जाएगी रिक्वेस्टेड में। तो जब क्रिया चेंज हो गई रिक्वेस्टेड में तो उसी से भाव इसका पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो क्या करेंगे हम, लिख लो क्या बोलिए, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है जी, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, ठीक है, हिज फादर क्या करने को, टू गिव, ठीक है, टू गिव पर्सन का नियम तो ही रहेगा असर्टिव सेंटेंस वाला, बिना असर्टिव सेंटेंस का आप इंटरप्रेटिंग में भी नहीं बोलते होंगे, इंटरप्रेटिंग में भी आगे कहीं नहीं, ठीक ना। तो पर्सन चेंज का नियम पुराना रहेगा, टेंस चेंज का नियम भी पुराना होता है, लेकिन यहाँ पर तो टेंस चेंज करना ही नहीं है, यहाँ पर तो सीधा सीधा इनफिनिटी को इनफिनिटी में बदल दे रहा है, जो मैं कर दिया यहाँ पर कर दिया, ये देखिए, ठीक ना जी, गिव को किस में कर दिया, टू गिव में कर दिया, तो ये किससे चेंज होगा, मी किससे चेंज होगा, ही से, तो यहाँ हो जाएगा ही। उसके बाद मोर मनी है तो इसमें कुछ करने नहीं है, हो गया कि नहीं, सिंपल चीज, फुल स्टॉप कर दिया। अब आगे और सेंटेंस लीजिए, डायरेक्ट में द मदर सेड टू हर डॉटर पे प्ले अंडर द छाए में खेलो। मारे पुत्री से, अपनी पुत्री से क्या कहा भैया, प्ले अंडर द शेड, छाए में खेलो। आप बताइए इसमें हमने प्लीज नहीं लगाया तो रिक्वेस्ट तो होना नहीं है, तो क्या हो सकता है, या तो कमांड हो या एडवाइस हो, बोलिए होगा कि नहीं होगा, कमांड भी हो सकता है एडवाइस भी हो सकता है, या सेंटेंस, या सेंटेंस क्या हो सकता है, पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों हो सकता है। तो भाई वो कमांड भी कर सकती है, कर सकती है कि धूप में मत करो, छाया में खेलो, ठीक है जी। तो अब यहां पर इनडायरेक्ट वन का जी द मदर किसमें चेंज कर दे, ऑर्डर कर दे, ठीक है, ऑर्डर हर डॉटर, ठीक है, डॉटर टू प्ले, ठीक है, टू प्ले अंडर द शेड। अब चलिए परामर्श भी दे सकती है, एडवाइस भी दे सकती है, तो इनडायरेक्ट टू, ठीक है, तब क्या करेंगे आप, द मदर, ठीक है। अब यहां पर एडवाइस क्या करेंगे भैया, एडवाइस सजेस्टेड भी हो सकता है, ठीक है भैया, जग गया है सिरा, ठीक है ना, सजेस्टेड
उसके बाद का हर डाटर, हाँ सजेस्टेड हर डाटर, हर डाटर, ठीक है। क्या करें टू प्ले अंडर सिंगलर, ठीक टू प्ले अंडर द शेड, ठीक बाकी चीजें वही रहेंगी। अब बताइए और कुछ बन सकता है, हाँ तो बन सकता है। यहीं पर मैंने कहा था वो सिंपली आस्क, आस्क क्या है जी, कहना सामान्य रूप से कहना है। तो ऐसे वाक्य में हो सकता है प्यार से कह रही हो। अब ये निर्भर करता है स्पीकर के बोलने कि माँ अपनी बेटी के साथ कैसा सलूक करती है, उसके साथ व्यवहार करती है, होता है ना। अच्छी कड़क माँ है तो क्या कहेगी, चलो अंदर खेलो, छाया में खेलो, ऑर्डर हो गया। अरे बेटा कहीं अंदर खेलो तो क्या हो गया, अरे भाई अरे बेटी को भी बेटा लोग कहते हैं, ये मत सोच रहे बेटा बोल रहे डॉक्टर लिखे हैं बेटा, प्यार से कहते हैं। तो सिंपली इसको कहना भी तो कहते हैं, हैं तुमको मैं बार बार कह रही हूं ना अंदर खेलो, ये क्या हो गया सामान रूप से कहना हो गया, समझे भैया। अंदर क्यों नहीं खेल रही हो, छाये में खेलो, तो ये क्या हो गया सामान रूप से कहना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बोलिए द मदर आस्क कर देंगे, क्या कर देंगे, हाँ आस्क हर डाटर, ठीक ना जी, डाटर और बाकी टू प्ले करके क्या करिएगा बता लीजिएगा। कितना तो समझदार है, मैंने कहा ना सेंटेंस आएगा बता दूंगा कि आस्क का उपयोग कहाँ करोगे, समझ गए होंगे, ठीक। अब चलते हैं तो लगभग तो हम बता ही दिए एग्जाम्पल सब, कह जी कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, तीनों तो पता ही दिए। तो वीडियो लंबा करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है ना जी। तो छोटे छोटे पार्ट करके मैं आपको बता दूंगा। अब इनका तीनों का क्या बताऊंगा, निगेटिव बता दूंगा, ठीक है ना, निगेटिव बताऊंगा। और निगेटिव में आपका क्या है कैसे होगा वह इंतजार करिएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अगले क्लास तक के लिए जी टाटा बाय बाय।